आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द एडिशन ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू प्योर वाटर कॉज। ठीक है, देखो बच्चों, बोला गया है कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 सॉलिड, उसमें वाटर ऐड किया गया है, तो इसके सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा गया है। देखो, सॉल्ट जो होते हैं वो मेनली सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, तो जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये बनाएगा NaOH और साथ में H2CO3 एसिड। ठीक, जो NaOH है वो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 जो है वो है हमारे पास वीक एसिड। क्लियर, ये डेटा है हमारे पास। अब देखो क्या हुआ, इनकी अमाउंट भी है वो क्या भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, अब साथ में ये है कि जो सॉल्यूशन है उसमें क्या इफेक्ट होगा। सॉल्यूशन का नेचर जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्ट पे डिपेंड करता है, यानी स्ट्रॉन्ग पार्ट के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। एन इंक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन यहां फिलहाल हमें शो नहीं हो रही है। सेकंड है एन इंक्रीज इन एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी यानी बेसिक नेचर में इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नो चेंज इन एसिडिटी, एसिडिटी यानी एसिडिक नेचर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एसिडिक नेचर देखो यहाँ H2CO3 के कारण थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बेसिक नेचर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। ए डिक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन, डिक्रीज नहीं, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।